मेरे साथ दो मेहमान और जुड़ रहे हैं, संतोष सर जुड़ रहे हैं टेक्निकल बेसिस के लिए और साथ ही डेरिवेटिव फंडामेंटल के तौर पर मेरे साथ अविनाश जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अविनाश सर आपका बहुत बहुत स्वागत और संतोष सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज कार्यक्रम में। पहले अविनाश सर मैं जरा आपके पास आ रहा हूँ, आपसे मैं जरा दो तीन सवाल बैक टू बैक पता करता हूँ, फिर संतोष जी से हम टेक्निकल बेसिस पर कुछ एक सवाल पता करेंगे। अविनाश सर, ये जो सेबी का फैसला आया है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में फंडिंग को लेकर, बाद में रातों रात कुछ चेंजेस भी कहे गए, पहले बता रहे थे 400 पॉइंट मार्केट गैप के साथ खुलेगा, बहुत सारे लोग रात को मैसेज करने लग जाते हैं, फिर उसके बाद फिर सुबह फिर बाजार कुछ अलग तरीके से खुला। पहले तो मेरे को जरा इस सेबी वाले फैसले से आपकी आपका एनालिसिस क्या है, आपका लर्निंग क्या है, जरा मेरे को पहले बोल जरा आपको बता दीजिए, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, इससे फर्क क्या पड़ेगा, एक तो मेरे को ये बता दीजिए। गुड मॉर्निंग डिम्पी। डिम्पी पहली बात तो ये जो सेबी का जो रूल आया है ये बेसिकली मार्केट को ब्रॉडन करने के लिए, हम सब जानते हैं कि मार्केट्स का जो उछाल है, अगर इंडेक्स अगर हम देखें तो इंडेक्स करीबन 20-25 स्टॉक से ही चल रहा है। इनफैक्ट आज आप रिलायंस को देखिए या बजाज फाइनेंस को देख लीजिए, तो इनका ऐसा नजरिया है कि मार्केट को ब्रॉडन करने के लिए छोटे और मिड कैप शेयर का भी बढ़ना बहुत जरूरी है, और ये इन प्रिंसिपल बात तो अच्छी है, लेकिन अगर इसको ऑपरेशनली हम इम्प्लीमेंट करने की बात करें तो दिक्कत बड़े जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे कि अभी मल्टी कैप फंड्स में कहा गया है कि 25% स्मॉल कैप में निवेश किया जाएगा, 25% मिड कैप में किया जाएगा, तो इनके लिए दिक्कत ऐसी है, बड़ा म्यूचुअल फंड के लिए ये बहुत तकलीफ का मामला होगा, क्योंकि पूरी तरह से पोर्टफोलियो को अलाइन करना पड़ेगा, उनको फ्रंटलाइन शेयर पड़ेंगे और यहाँ पे खरीदना। मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव बात है स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों के लिए, जो अच्छी कंपनियां हैं, अच्छे बिजनेसेस चलाते हैं, वैल्यूएशंस अच्छे हैं, प्रमोटर्स अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा है, लेकिन ये उन्हीं म्यूचुअल फंड्स के लिए फायदेमंद होगी जो छोटे म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे कि सुंदरम म्यूचुअल फंड है, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सिलेक्टिव बाइंग जरूर आएगी, हालांकि इमीडिएटली ना आए, बट अच्छे निवेश बिजनेस के लिए तो डेफिनेटली मार्केट के लिए अभी ये दरवाजा खुला है, और ये मेरे ख्याल से जनवरी से जब नई लिस्ट आएगी तभी आपको पता चलेगा कि कौन से शेयर इस लिस्ट में आते हैं, क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन फरवरी 21 से होने वाली है, तो तब तक माहौल थोड़ा सा अनसर्टन जरूर रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि सेबी चाहती है कि स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में भी एक अच्छी खासी पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूशन और रिटेल इन्वेस्टर्स की हो, तो ये डेफिनेटली अच्छी बात है लॉन्गर टर्म के लिए, ये मिड कैप शेयरों के लिए स्पेसिफिकली छोटे मझोली जो शेयर्स है उनको डेफिनेटली थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा। अविनाश सर, ये छोटे उनको एक सपोर्ट मिलेगा, ये खुद अपनी बैलेंस शीट अपने बिजनेस के बेसिस पर तैयार हैं कि अगर फंडिंग को बाय करता है ये उतना परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे जैसे रिलायंस दिखा देता है, जैसे बिरला ग्रुप के शेयर्स दिखा देते हैं या टाटा थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। इनफैक्ट डिपी मैं समझता हूँ कि बाजार में ऐसे बहुत सारे मौके हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि सिर्फ बिरला ग्रुप के शेयर ही एलिजिबल है, यहाँ पे काफी अच्छे ऐसे बिजनेसेस हैं जो थ्रेशोल्ड है 7,000 करोड़ की मार्केट कैप और उसके नीचे जो कंपनियां हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जहाँ पे प्योरली लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको खरीदा नहीं जा सकता रहा था, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, और मुझे तो लग रहा है कि ये तो शुरुआत है, जैसे ये जनवरी की लिस्ट तैयार होगी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली इसमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, और जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो तो अभी से शायद थोड़ा सा बाइंग करना शुरू करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ये जान रहा है कि जनवरी में लिस्ट आने के बाद जो छोटे म्यूचुअल फंड्स हैं वो तो अपना एसेट एलोकेशन डेफिनेटली उस लेवल पे लेके जाएंगे, अभी ये कहना मुश्किल है कि सेबी इसके बाद भी कोई चेंज अनाउंस करती है कि नहीं, बट मोटा मोटी लग रहा है कि कहीं ना कहीं बड़े म्यूचुअल फंड्स अपना स्कीम बदल देंगे, और जो मीडियम साइज जो म्यूचुअल फंड है जैसे मैंने एक दो नाम आपको बताया वहां पे जरूर बाइंग आएगी, और ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा, क्योंकि अभी तक ये पूरा सेक्टर कम्प्लीटली इग्नोर्ड सेक्टर हम कह सकते हैं कि मिड कैप्स में कम्प्लीट इग्नोरेंस था, तो यहाँ से डेफिनेटली थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट के लिए तो गुंजाइश है। अविनाश सर, पीवीआर का कल नंबर आया और पीवीआर के नंबर में ये कहा है कि जी हमारा घाटा जो है वो 225 करोड़ रुपए का है, इससे पहले जो कंपैरेटिव कर रहे हैं वो कह रहे थे हम 17 करोड़ रुपए कमाते थे एक साल पहले वाईओवाई बेसिस पर, तो 17 करोड़ कमाते थे अभी 225 करोड़ है, और ये जो क्वार्टर इनका फर्स्ट क्वार्टर यानी कि अप्रैल मई और जून ये तीनों महीने तो पीवीआर की स्क्रीन सारी बंद थी, तो ये जो घाटा 226 करोड़ रुपए का आया है पिछली बार साल के मुकाबले, ये आपको बहुत ज्यादा लग रहा है कि ये ठीक ठीक है मैनेजेबल है, भाई सारा पूरा देश बंद हो या ना हो कम से कम पीवीआर तो पूरी तरह से बंद था।
नहीं, इनफैक्ट डिम्पी मुझे लग रहा है कि नॉट ओनली फर्स्ट क्वार्टर बट अभी अगर हम दूसरा क्वार्टर की भी बात करें जुलाई टू सितंबर, तो यहाँ पे भी कोई बड़ी उम्मीद नहीं लग रही है और मुझे लग रहा है कि शायद यही लेवल पे यू नो कंपनी घाटा रिकॉर्ड करेगी। इनके लिए एक ही अच्छी बात हुई है कि इन्होंने काफी पैसा राइट्स इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से यू नो जुटाया था, तो कहीं ना कहीं अपने लॉसेस वो अपने ये राइट्स इशू के फंडिंग से मैनेज करेंगे। लेकिन अगर दिसंबर के बाद भी अगर ये सिनेमा हाउसेस खुलते नहीं है तो मेरे ख्याल से इनके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि देखिए कितना भी बड़ा प्लेयर हो अगर रेवेन्यू का एक पैसा भी अगर इनकम में आता नहीं है और फिक्स्ड कॉस्ट खर्चे चलते हैं तो इनके लिए ये जो यू नो सस्टेनेबिलिटी है ये जो शेयर प्राइस की ये मेंटेन करना बहुत बड़ी दिक्कत होगी। इनफैक्ट अभी भी कहना मुश्किल है कभी सिनेमा हाउसेस खोलेंगे, लेकिन अनुमान है कि दिसंबर के क्वार्टर के बाद होपफुली सिनेमा हाउसेस वापस शुरू होंगे। तो तब तक मुझे लग रहा है कि मार्केट यही उम्मीद पे बैठी है कि कोरोना वैक्सीन जल्दी आए, उसके बाद यू नो सिनेमा हाउसेस जल्दी खुले और सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म थोड़ा कम हो। तो मैं तो थोड़ा सा इससे दूर रहूंगा, क्योंकि मुझे जब तक अर्निंग दिखती नहीं है डिम्पी, मुझे ऐसे महंगे शेयर से थोड़ा सा डर लगता है। तो मैं प्रीफर करूंगा कि यू नो एक बार थोड़ी क्लैरिटी आए, एक बार सिनेमा हाउसेस खुले और उसके बाद निवेश के लिए यू नो अगर मौका मिलता है तो फिर इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अविनाश सर, जब दो तीन हफ्तों से हमारे साथ जुड़े तो दो तीन हफ्तों में आपने एक चीज बड़ी जोर से रखी थी कि जो एग्रीकल्चर बेस्ड शेयर है चाहे वो ऑटोज में मिल जाए या वो सीधा एफएमसीजी में मिल जाए, आपने उसकी वकालत की, जैसे कि डाबर, जैसे कि एमएनएम, आपने दोनों शेयर दिया, एक हाउसिंग आपने अपने हमको खुद को भी बताया जिसके नंबर्स भी कल परसों में आए हैं, तो अभी भी आपका वो एग्रीकल्चर वाला एग्री बेस्ड वाला सब्सटेंस में कोई चेंज कोई अपग्रेडेशन हुआ है या अभी भी आप उसमें बने हुए हैं? और वो दो पांच शेयर जो आपने डाबर हमको गिनवाया, एमएनएम गिनवाया, जमुना ऑटो भी काफी पॉपुलर में गिनवाया था। इनफैक्ट डिम्पी रूरल रिलेटेड जो थीम है वो अभी भी हमारे लिए स्ट्रांग है, हम वहाँ पे अभी भी पॉजिटिव व्यू लेके चल रहे हैं। और आपको याद दिला दूँ, पिछले हफ्ते हमने आपको एक शेयर दिया था एडीएफ फूड्स करीबन 370-375, उसके बाद काफ़ी अच्छी बाइंग एचएनआई की तरफ से और हुई है और ये शेयर अभी करीबन 390-398 चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी निवेश करने का मौका है, अच्छी खासी अपसाइड यहाँ पे पॉसिबल है। और मैं समझता हूँ कि यू नो जो अभी एसएबी का रूल आया है वहाँ पे क्लोजली वॉच करना चाहिए, जो अच्छी कंपनियाँ है वहाँ पे मुझे लग रहा है कि जहाँ जहाँ मौके वैल्यूएशन पे मिलते हैं, बिजनेस अच्छा मिल रहा है, प्रमोटर अच्छा है, वहाँ पे दबा हुआ शेयर अगर मिले तो उसमें डेफिनेटली एंट्री कर सकते हैं। तो आज मेरे पास यू नो ऐसे दो शेयर है दिखती जो थोड़े अलग सेक्टर से है लेकिन वैल्यूएशन कम्फर्ट काफी ज्यादा है। सर बताइए ना, बिल्कुल कंपेटिटिव नहीं हो रहा है और सभी हमारी और चल रही है, सर बताइए दोनों शेयर कौन कौन से हैं? बिल्कुल, अभी पहला शेयर जो छोटे बैंकों में जो यू नो हमको अच्छा लग रहा है वो बेसिकली डीसीबी बैंक है, 86-87 का रेट चल रहा है और इस बैंक की खासियत है कि बहुत पुरानी बैंक है, काफी अच्छा नेटवर्क है, इनफैक्ट इनका एनआरआई बेस भी अच्छा है और इनकी एसेट क्वालिटी हार्डली 2% है, यानी करीबन 2% का ही एसेट यू नो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट का परसेंटेज है। यहाँ पे हम अगर देखें कि अगर निवेशकों को कम से कम 6-12 महीने का व्यू लेना है तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से डाउनसाइड पूरी तरह से कैप्ड है, करीबन 125-130 का लेवल पॉसिबल लग रहा है और यहाँ पे बड़े निवेशकों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ये इक्विटी है, तो यहाँ पे नजर रखिए। और दूसरा शेयर जो थोड़ा सा यू नो केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है वो जीएनएफसी है। अभी जीएनएफसी एक गुजरात फंडेड कंपनी है लेकिन इस कंपनी की खासियत है कि ये एक ऐसा केमिकल बनाती है जिसे हम टीडीआई कहते हैं, इसमें पूरी तरह से इंडियन मार्केट में ये मोनोपोली प्लेयर है और ये ज्यादातर यू नो बेसिकली अपहोल्स्ट्री फिर प्लास्टिक यू नो काफी यूजेस के लिए यूज किया जाता है, इनफैक्ट शीला फोम भी इनका एक कस्टमर है। तो यहाँ पे एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ है डिम्पी की, अगले पिछले एक आध महीने में इनके जो प्राइसेस है वो करीबन 10-12% बढ़े हैं और इसका इम्पैक्ट टीडीआई का प्राइस में अभी तक नतीजों में आया नहीं है। ये कंपनी मैं खुद जानता हूँ कि एक जमाने में 500-600 रुपये चलती थी और अभी करीबन 200-210 में मिल रही है। कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी की बिजनेस बहुत बढ़िया है, तो यहाँ पे अगर कोई खरीदता है तो मुझे लग रहा है कि कंफर्टेबली 275-300 रुपए का टारगेट साल भर में मिल सकता है। तो यहाँ पे डाउनसाइड वापस यू नो लिमिटेड है, क्वालिटी कंपनी है, डिविडेंड भी बहुत अच्छी देती है, लास्ट ईयर 50% का डिविडेंड दिया था, तो उस हिसाब से ये दोनों शेयर्स पे नजर रखें और मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली एक्युमुलेट यहाँ पे करें, अच्छी खासी अपसाइड दोनों शेयर्स में मिलने की पॉसिबिलिटी। बहुत बढ़िया, तो जीएनएफसी का चार्ट बहुत ही शानदार है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव के लिए तैयार भी हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है आपको सारी अभी इसका कंसोलिडेशन कर रहा है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हाँ टूट के आया हुआ शेयर है, तो आपको कई बार लगता है ना कि वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, ऐसा कुछ नहीं है।
आप अगर इसकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे जो लगातार एक शेयर टूटने वाली गति में था, काफी हद तक उसने इसको रोक दिया था। ये फंडामेंटल नहीं है, ये सिर्फ टेक्निकल बेसिस पर आपको बता रहा हूँ जो हमने ट्रेंड लाइन पर ड्रॉ की। पूरी तरह से इसके अपने ट्रेंड को आप चेंज करने के मूड में है। वी शेप रिकवरी आए नहीं आए, लेकिन एक चीज तय है कि 163 के नीचे भी शायद जल्दी जल्दी नहीं जाएगा। मल्टीपल सपोर्ट एरिया है इसके पास, 163, 174 पे 100 दिन की एवरेज, 187 50 दिन की एवरेज, 195 रुपए 195 पे बी वैम का एवरेज, 203 पे 20 दिन की एवरेज, और अभी 209 चल रहा है, और 217 का बी वैम का ब्रेकआउट और अभी चल रहा है 209 रुपए। तो मल्टीपल सपोर्ट 1, 2, 3, 4, 5 सपोर्ट के एवरेजेस की, प्लस फिर 163 रुपए का के नीचे का इसका जो डाउन ट्रेंड खत्म हुआ उसका सपोर्ट भी। तो ये तो जीएनएफसी की बात हुई। ये एक अच्छा शेयर, बेहतरीन शेयर है, वॉल्यूम भी पहले के मुकाबले थोड़ा सा ठीक हुआ है। आप देख रहे हैं डाउन ट्रेंड के अंदर वॉल्यूम श्रिंकनेस दिखा रहा, अब जैसे इसने अपने डाउन ट्रेंड को खत्म किया तो एक स्ट्रॉन्ग हैंड में ट्रांसफर हो ही रहा। अगर आप इस पूरे इस वॉल्यूम के पैटर्न को भी देख रहे हैं तो 50% ग्रीन बार्स दिख रही होंगे, 15% इनकल्फिंग वाली बार्स दिख रही होगी प्राइस के अंदर। इस पर हम किसी दिन और जाएंगे कि ग्रीन बार और रेड बार का नीचे से मतलब इस सब का मतलब क्या होता है। आप मोटा मोटी फिलहाल देख रहे जाने कि इसके अंदर वॉल्यूम है और कुछ पक्के हाथों में तो शेयर आ ही रहा, अभी गति नहीं आई है वो एक बात अलग, ये तो साफ दिख रहा है। दूसरा डीसीबी बैंक। अच्छा सर, एक ना मैं डीसीबी बैंक के साथ में ना आपका एक शेयर और रखना चाहता हूँ, वो सर है फेडरल बैंक। अगर आप मेरे को डीसीबी बैंक बोल रहे हो तो मैं फेडरल बैंक में तो बहुत इससे ना फर्क नहीं है, वो 53 रुपए का और 88 रुपए का, ऑफकोर्स बैलेंस शीट में फर्क होगा, क्लाइंट बेस में फर्क होगा। अगर डीसीबी बैंक ले लो ना, सर फेडरल बैंक भी ले सकता हूँ, फेडरल में भी थोड़ा सा पैसा डाल दूंगा। नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट डिम्पी आपने सही कहा कि फेडरल बैंक भी काफी अच्छा विकल्प है। मुझे लग रहा है काफी टाइम तक ये लेवल में कंसोलिडेट कर रहा है और होपफुली यू नो हमको लग रहा है कि सेकंड हाफ में जो मोरेटोरियम का इम्पैक्ट है वो पॉजिटिवली प्ले आउट होगा। प्लस बैंक का काफी अच्छा एनआरआई बेस है, साउथ में ये काफी वेल नोन बैंक है, तो करीबन ये लेवल से डाउन साइड कम है। तो मैं भी यही कहूंगा कि डीसीबी में थोड़ा पैसा डालिए, फेडरल बैंक में भी थोड़ा पैसा डालिए, क्योंकि ये सारे ऐसे बैंक है जो वेल कैपिटलाइज्ड है, एसेट क्वालिटी भी कंप्लीटली कंट्रोल में, और यहाँ पे अगर मूव मिलती है तो मुझे लग रहा है कि 75 या 80, 75 और 80 का जो जोन है वहाँ पे डेफिनेटली एटलीस्ट नियर टर्म में तो पॉसिबल है, क्योंकि बेस वैल्यू छोटा है तो यहाँ पे परसेंटेज गेन्स भी ज्यादा जल्दी आने की उतरेगी। ठीक है अविनाश, तो बस एक आखिरी सवाल है। आज ने खबर आई थी, वो खबर थी टोयोटा को लेकर। टोयोटा ने ये कहा है कि वो भारत के अंदर एक्सपेंशन नहीं करेगा अपनी गाड़ियों, यानी कि वो नई गाड़ियां नहीं उठा रहे, जो चल रही है तो चल रही है। वो कह रहा है, उसने रीजन भी दिया, उसने कहा है कि भारत की रिजीम जो है टैक्स रिजीम है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और हायर एंड है, मतलब ये महंगा है टैक्स रिजीम। ये हेडलाइंस में उन्होंने आज उनको पता लगा टोयोटा के बारे में कि उन्होंने कहा कि भारत के अंदर एक्सपेंशन प्लान पे होल्ड कर रहे हैं। सर इससे कोई फर्क पड़ेगा M&M जैसे प्लेयर्स को, मारुति को या टाटा मोटर्स को, क्योंकि कॉम्पिटिशन तो देखो है ही। एक इंटरनेशनल प्लेयर अगर भारत के अंदर ये कह दे कि भाई मैं एक्सपेंशन नहीं करूंगा तो स्पेस की थोड़ी खुली जाती है, कितना फर्क पड़ेगा सर M&M, मारुति या टाटा मोटर्स जैसे शेयर्स को? आई थिंक डेफिनेटली ये न्यूज फ्लो तो डेफिनेटली नेगेटिव है, क्योंकि क्लियरली अगर ये एक्सपेंशन होल्ड करते हैं, क्योंकि टैक्स को लेके इनके लिए थोड़ी सी चिंता है, तो मुझे लग रहा है कि शायद ये अभी इनका इमीडिएट एक रिएक्शन है। मुझे नहीं लग रहा है कि वो कम्प्लीटली इंडियन मार्केट्स को छोड़ने की बात कर रहे हैं, बट हाँ इन द नियर टर्म टाटा मोटर्स और महिंद्रा जो कंपेरेबल कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स में है उनके लिए डेफिनेटली अच्छी बात है, क्योंकि महिंद्रा और टोयोटा का कॉम्पिटिशन यूटिलिटी व्हीकल स्पेस में जरूर हम देखते हैं, टाटा मोटर्स भी दिखते हैं, तो इनके लिए डेफिनेटली नियर टर्म में अच्छी बात है कि अगर ये एक्सपेंशन और नई गाड़ियाँ लॉन्च नहीं करते तो ऑब्वियसली इनका मार्केट शेयर थोड़ा सा इफेक्ट होगा, और ऑब्वियसली कस्टमर्स आज नए मॉडल्स और नए व्हीकल का जो रेंज है वो उसको बहुत क्लोजली वॉच करते हैं। नई गाड़ी जब भी बाजार में आती है डिम्पी, तभी उसका रिस्पॉन्स पुराने मॉडल से तो अच्छा ही होता है, तो जहाँ पे ये लोग स्टॉप करेंगे वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स तो फायदा जरूर लेंगे, और इसका ज्यादा फायदा मुझे लग रहा है महिंद्रा पे होगा, क्योंकि M&M इनके लिए बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर था, स्पेशली जो UV सेगमेंट में था, इनके इनोवा के सामने जो इनके यूटिलिटी व्हीकल्स थे वो थोड़े से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, तो ये इनके लिए एटलीस्ट नियर टर्म में तो अच्छी बात है कि किसी का जो क्राइसिस है या किसी की नेगेटिविटी है वो किसी की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। बहुत शुक्रिया बैंक GNFC आपके शेयर दिए।
इसके अलावा आपका जो पीवीआर को लेकर कम से कम दो क्वार्टर और देखने पड़ेंगे, कम से कम दिसंबर वाला क्वार्टर को देखना पड़ेगा कि स्थिति अगर ठीक नहीं होगी तो फिर दिक्कत। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।